आपके अपने चैनल टीके कोचिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर एक रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का जो चैप्टर है उसके अंदर का प्रश्न उत्तर आज हम लोग जानेंगे। तो शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर प्रतिदिन सुबह 9:30 से लाइव क्लास और लाइव टेस्ट चलता है और दोपहर 1 बजे से 12वीं के आर्ट्स के सभी विषयों का लाइव टेस्ट चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, वहाँ से जा करके व्हाट्सएप में ज्वाइन हो सकते हैं और अपना नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ध्यान देंगे प्रश्न संख्या एक पर। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो देखिए इसका उत्तर आप लोग के स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिकारकों का आपस में संपर्क में आना ही अति आवश्यक है। मैग्नीशियम रिबन वायुमंडलीय गैसों से अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक परत बना लेता है जिससे साफ करना अति आवश्यक होता है। तो अन्यथा यह वायु में वायु से क्या करेगी, अभिक्रिया कर लेगी और अपने इसके ऊपर एक परत चढ़ जाता है। तो इसलिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेंग माल के कपड़े से साफ किया जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या दो है। तो इकोर एक निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो इसको संतुलित समीकरण लिखना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। समीकरण संतुलित कैसे किया जाता है, समीकरण संतुलित क्या है, इसके बारे में हम लोग इसके लिए एक हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या तीन के लिए, तीन में भी कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्थाएं के संकेतों के संकेतों के साथ संतुलित समीकरण लिखिए। तो इसको भी संतुलित समीकरण लिखना पड़ेगा, तो हम इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि संतुलित समीकरण क्या है, इसको कैसे संतुलित करना है, ये सब आप लोग को समझ में आ जाएगा। और वहाँ से मैं तत्व का भी यहाँ पर हम तत्व के लिए नोट्स बना देंगे, आप जाकर हमारे व्हाट्सएप से नोट्स ले सकते हैं। चलिए यह पाठ के अंदर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या तीसरा है। तीसरा का प्रश्न संख्या हम लोग एक पे ध्यान देंगे। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक में किसी पदार्थ एक्स के बिलियन का उपयोग सफेदी कराने के लिए होता है। तो सवाल नंबर एक में पदार्थ एक्स का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसको सब हम अच्छा से सजा दिए हैं ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। चलिए प्रश्न संख्या यहाँ पे दो में कह रहा है कि ऊपर एक में लिखे पदार्थ एक्स की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। चलिए अब हम प्रश्न संख्या तीन को देखते हैं, इसका उत्तर क्या होगा। देखिए उत्तर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उत्तर है तो पदार्थ एक्स का नाम है
कैल्शियम ऑक्साइड और इसका सूत्र होगा CaO। अब दो में दिया है कि CaO प्लस H2O यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल अभिक्रिया करके क्या बनाता है Ca इंटू OH का होल ट्वाइस, यानी कि यहाँ पे क्या बनाता है बुझा हुआ चूना बनाता है। तो चलिए अब हम प्रश्न क्या तीसरा के दो पर ध्यान देते हैं, आप लोग के सामने है, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्रियाकलाप 1.7 में एक प्रखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। तो देखिए इसका उत्तर यहाँ पे है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए 2H2O अभिक्रिया करता है विद्युत धारा 2H2O करके गैस निकलता है प्लस ऑक्सीजन 2। तो उपरोक्त समीकरण से यह स्पष्ट होता है कि हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन से दुगुनी है, अतः यह गैस हाइड्रोजन है। तो चलिए अब तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा के एक बार पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, इसका आंसर यहाँ पे है, आप ध्यान दीजिएगा। जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग हरा हो जाता है, क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को कॉपर सल्फेट से विस्थापित कर देता है तथा हरे रंग के आयरन सल्फेट का निर्माण होता है। निम्नलिखित अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण यहाँ पे दी गई है, आप लोग इस समीकरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या तीसरा का दूसरा है, क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्वि विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए यहाँ पे जब हम बेरियम क्लोराइड तथा पोटेशियम सल्फेट के जलीय विलयनों को आपस में मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट तथा पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण होता है, इसका समीकरण यहाँ पे नीचे दिया गया है, आप इस समीकरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। चलिए अब हम ध्यान देंगे प्रश्न संख्या तीन पर, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। तो देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर एक में दिया है 4Na प्लस O2 अभिक्रिया करके क्या बनाता है 2Na2 और O, तो ये जो है उपचयित पदार्थ है सोडियम और अपचयित पदार्थ है ऑक्सीजन। चलिए दो समीकरण दूसरा में दिखा रहा है कि CuO प्लस H2 अभिक्रिया करता है तो Cu प्लस H2, तो उपचयित पदार्थ कौन सा है, तो उपचयित पदार्थ है हाइड्रोजन और अपचयित पदार्थ है कॉपर 2 ऑक्साइड। तो चलिए अब अभी के लिए इतना ही, इसके आने वाले वीडियो में हम लोग अभ्यास के अंदर जितने भी प्रश्न हैं उस पर हम लोग उसके लिए मैं एक आने वाला वीडियो में लेकर आऊँगा, और तत्व का नाम कैसे याद किया जाता है, कैसे बताया जाता है, ये सब हम बताएंगे। समीकरण संतुलित कैसे किया जाता है इसको हम डिटेल से समझाएंगे इसके आने वाले वीडियो में। यदि वो हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि वे भी इस लॉन्ग रन में अपना बैठे बैठे पढ़ाई कर सके। धन्यवाद।